नमस्कार दोस्तों, आज हम स्वराज द्वीप नामक एक विशेष स्थान पर जा रहे हैं जिसे अंडमान द्वीप समूह में हैवलॉक द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। इसके साथ आप सबको इस YouTube चैनल लम्कोई वारी में आपका स्वागत है। हैवलॉक जाने के लिए हमने सरकारी फेरी बुक की है जो प्राइवेट फेरी से थोड़ी सस्ती है। यहाँ आप 4 से 5 घंटे की यात्रा के दौरान हवा और समुद्र की झलक का आनंद ले सकते हैं। अब हम हैवलॉक जेट्टी पहुंच चुके हैं। दोस्तों, हम यहाँ सिर्फ वीकेंड बिताने आए हैं और आज ही 2 मशहूर बीच यानी काला पत्थर बीच और राधानगर बीच घूमकर वापस आ रहे हैं। दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि सरकारी और निजी दोनों नौकाओं के लिए जहाज की टिकट कैसे बुक करें तो आप मेरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। हैवलॉक का सफर शुरू हो गया है दोस्तों, और आप सबको दिखाएंगे यहाँ हैवलॉक में फिर से हम आया हुआ है, और यहाँ का आज का सुंदरता और आज का हमारा अनुभव आप सबको शेयर करेंगे। दोस्तों, हैवलॉक जाट्टी में जो चीज हमें आकर्षित करती है वह है साफ और पारदर्शी समुद्र का पानी। आप जहां भी जाएंगे आपको साफ और नीला पानी मिलेगा। इस भूमि का क्षेत्रफल लगभग 92 वर्ग किलोमीटर है। तो चलिए हम एक गाड़ी किराए पर लेते हैं। दोस्तों, हम लोग पारिवारिक यात्रा पर हैं, इसलिए हमने टैक्सी किराए पर ली है। यहाँ आपको 800 से 1500 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से टैक्सी मिल जाएगी। अगर आप स्कूटी से जाते हैं तो पेट्रोल छोड़कर 400 रुपए प्रति वाहन का खर्च आएगा। सबसे पहले हम काला पत्थर बीच जाएंगे। काला पत्थर बीच पहुंच गया है, और यहाँ पे जो समुंदर है इसी तरह का दिखाई देता है। यहाँ पे भी नहा सकते हैं आप लोग, और सबको नहाने से पहले कुछ भी एक्टिविटी करने से पहले ये वाला वार्निंग थोड़ा सेफ्टी मेजर्स थोड़ा पढ़ लीजिए, इसमें जो भी लिखा है आप पालन करिए। तो अब समय आ गया है आपको काला पत्थर बीच की खूबसूरत झलक दिखाने का, तो चलिए साथ मिलकर देखते हैं। काला पत्थर बीच की बात। बारिश शुरू हो चुकी है और नजारा बहुत खूबसूरत है। चलिए अब चलते हैं राधानगर बीच पर। तो दोस्तों, हम फिर से राधानगर बीच पर आ गए हैं। यहाँ आप तैर सकते हैं और साफ नीले पानी का मजा ले सकते हैं। ये नजारा है, तो चलिए साथ मिलकर देखते हैं। Oh.
यहाँ पे एक और परिवार है और इसी तरह इन सब के साथ ही हमने साथ में बहुत अच्छे पल बिताए हैं और ऐसी यादें हैं जिन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता। दोस्तों, राधा नगर में चेंजिंग रूम और नहाने की सुविधा भी है, तो जल्दी से फ्रेश हो जाओ और लंच के लिए तैयार हो जाओ। रोहित रेस्टोरेंट लंच। जल्दी से दोपहर का भोजन करने के बाद अब हम पोर्ट ब्लेयर की वापसी यात्रा के लिए हेवलॉक जेट्टी की ओर बढ़ रहे हैं। सुरक्षित रहें।